सांगा बोला पटका ना थोड़ा जल्दी करो ना मेरे को काम के लिए थोड़ा लेट हो रहा है प्लीज सॉरी रश्मि जी कैसी हैं आप काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो ये इफ्तार पार्टी कैसी रही थोड़ा सा बहुत अच्छी रही मुझे बहुत अच्छा लगा ऑफ कोर्स व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स यू ऑलवेज फील नाइस एंड देयर आर पीपल whom यू डोंट मीट रेगुलरली एंड यू बम इनटू देम दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल बट सारा के साथ थोड़ा इक्वेशन कैसा है थोड़ा सा बताइए फ्रेंडशिप कितनी गहरी है सारा के साथ इक्वेशन मेरा बहुत पुराना है बट ऑन एंड ऑफ था बट अभी रेगुलर हो गया आई विल से शी इज वेरी ब्यूटीफुल सोल हर हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी वेरी दे बोथ आर लाइक वेरी एंजेलिक पर्सनैलिटी हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं तो बोथ आर लाइक दैट एंड ऑन वन कॉल शी इज गोइंग टू बी देयर सो यू कैन काउंट ऑफ हर एज अ फ्रेंड पर्सनली आप रमजान या फिर ये जो इफ्तार पार्टी थी कितना एंजॉय करते हैं बहुत यार इतना अच्छा अच्छा खाने मिलता है और मैं तो तगड़ी वगड़ी हो जाती हूँ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है क्या अच्छा ही हो रहा जो मन को अच्छा लगे वो सब अच्छा अगर बात करें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो JNU में आपका एक नेगेटिव रोल देखने को मिलेगा शायद तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे फिल्म हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी आप लोग मुझे जिस किरदार में देखोगे वो किरदार की भी एक अपनी अलग कहानी है तो आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड आई विल स्पीक टू यू इन लेंथ विद द राइट मोमेंट इवन ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है उसको बैलेंस करना कि कैसे हम प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए क्या कुछ चैलेंजिंग होता है डर भी लगता है बट अभी क्या करें पसंद ही ऐसी चीज़ें आती है मैं खुद ही डेंजरस हूँ चीज़ें भी डेंजरस पसंद है थैंक यू बाय रश्मि 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 बाय बेबी